दोस्तों, कुरान मजीद अल्लाह ताला की वो किताब है जो न सिर्फ मुसलमानों के दिलों में उतर जाती है, बल्कि दुनिया के किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाला शख्स जब इस किताब को खोलता है या छूता है, पहले छूते ही उसके दिल में ये किताब उतर जाती है। जब इसको पढ़ने की कोशिश की जाती है, इसका तर्जुमा समझा जाता है, दुनिया के किसी भी मजहब का शख्स आज तक कोई ऐसा सामने नहीं आया जो कुरान पाक की एक आयत को भी चैलेंज कर सके, या ये कह सके कि ये बुनियादी इंसानी फलसफे से अलग है, या ये कह दे कि इसमें बयान किए गए हकायक खुदा नखास्ता नाउज़ु बिल्ला गलत हैं। दोस्तों, कुरान मजीद की बरकात और फजीलत से यकीनन आप वाकिफ होंगे। हमने दुनिया में बड़े से बड़े मरीज को तिलावत कलाम पाक सुनते ही या उन पर दम फूंकते ही सेहतयाब होते देखा है। कुरान करीम के मौजज़ात तो पूरी दुनिया जानती और मानती है, लेकिन दुनिया की कुछ ऐसी बड़ी शख्सियात हैं जिन्होंने कुरान मजीद को ना सिर्फ पढ़ा समझा बल्कि तस्लीम भी किया है। दोस्तों, ये वो शख्सियात हैं जो आप सबको पसंद हैं, और ये तमाम वो शख्सियात हैं जिन्होंने कुरान पाक के ज़रिए इसको समझकर, इसके फ़लसफ़े को समझते हुए अपनी रूह को तस्कीन दी है, दिल को करार बख्शा है। दोस्तों, भारत के बहुत से ऐसे अदाकार हैं जिनका ताल्लुक इस्लाम से नहीं है, मगर उनके कुछ आदात ऐसी हैं जिन्हें जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। हाल ही में भारत के सबसे बड़े जाने माने सुपरस्टार अदाकार अमिताभ बच्चन ने कुरान पाक का मुतालिया किया। उन्होंने एक ट्वीट के जरिए कुरान पाक की कुछ आयात भी शेयर की और बताया कि किस तरह से वो अपने दिल को इत्मीनान और सुकून बख्शने के लिए कुरान पाक का मुतालिया कर रहे हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी हवाले से बात करेंगे। ना सिर्फ ये, बल्कि हम आपको बताएंगे कि भारतीय कितने बड़े बड़े अदाकार हैं जो इस्लाम और कुरान पाक का किस हद तक एहतराम करते हैं। दोस्तों, आपसे इल्तवास है कि इस वीडियो को आखिर तक देखिए, ताकि आप इस पूरी वीडियो में बयान किया गया फलसफा खूबसूरती से समझ सकें और दूसरे दोस्तों तक भी पहुंचा सकें। अमिताभ बच्चन ने कुरान पाक के हवाले से जो आयात शेयर की उन पर भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता दें कि भारतीय अदाकार सलमान खान वो शख्सियत हैं जो कि जब कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हों और आज़ान की आवाज़ आने लगे तो वहीं पर सबको खामोश करवा देते हैं। एक ऐसा वाक़या भी पेश आया जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और आज़ान होने लगी, जैसे ही कलाम पाक और अल्लाह का कलाम उनके जहन और कानों में पड़ा, उन्होंने सबको कहा कि खामोशी इख्तियार की जाए, और अचानक से देखा गया कि कुछ अफराद ने खामोशी इख्तियार ना की, जिस पर सलमान खान शदीद बरहम हो गए और सबको डांट पिला दी। सिर्फ सलमान खान ही नहीं, बल्कि भारतीय मशहूर अदाकारा सुष्मिता सेन को आपने अक्सर देखा होगा, वो बेशतर मकामात पर कुरान पाक की आयात पढ़ती, सूरह इखलास पढ़ती नजर आती हैं और हर बात के जवाब में माशाल्लाह भी कहती हैं। दोस्तों, उनकी जानिब से इस्लाम की इस कदर पजीराई को देखते हुए बहुत से ऐसे भारतीय अदाकार और शिद्दत पसंद हिंदू नजरिया रखने वाले लोग हैं जो कि अक्सर इनके खिलाफ जहर भी उगलते रहते हैं। दोस्तों, इस हवाले से भी आपको किसी दिन बताएंगे, लेकिन आज की हम वीडियो में बात करेंगे अमिताभ बच्चन की जानिब से कुरान पाक के मुताले और उसके बारे में उनके तजर्बात की। आइए दोस्तों, आज की वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। अमिताभ बच्चन बताते हैं कि जब उन्होंने कुरान मजीद का मुतालिया शुरू किया और उसका तर्जुमा समझना शुरू किया तो उनकी जिंदगी में कुछ मौजज़ाना तब्दीलियां आ गईं। दोस्तों, कुरान मजीद वो पाक किताब है जो अपने पहले सिपारे के आगाज से ही ये चैलेंज पेश करती है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, यानी अगर तुम कुछ कर सको तो इस जैसा कलाम ला कर दिखाओ। दोस्तों, ये क़यामत चैलेंज है, और आज तक कोई इंसान, दुनिया में बसने वाला किसी भी मजहब का साइंसदान, फिलोसोफर, लिखारी, शायर, मुसन्निफ ऐसा कलाम बना नहीं सका है, कुरान पाक जैसी एक आयत तक नहीं लिख सका है। दोस्तों, हम आपको बता चुके हैं कि कुरान मजीद की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ताला ने खुद लिया है, यानी ता कयामत इस किताब के एक हर्फ में भी कोई लफ्ज का रद्दो बदल नहीं कर सकता। दोस्तों, लिहाजा कुरान मजीद की दुरुस्तगी पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। चूंकि कुरान मजीद में कोई रद्दोबदल नहीं किया गया है और इसमें दिया गया पैगाम दिलों में उतर जाने वाला है, यही वजह है कि जब भी किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाला फर्द कुरान मजीद को पढ़ता है या समझता है तो कुरान पाक उसके दिल में उतर जाता है। शर्त यह है कि वो गैर जानिबदारी के साथ, पहले से कोई राय कायम किए बिना कुरान करीम को समझ रहा हो।
कुरान करीम की इसी हकानियत का एतराफ बॉलीवुड के शहनशाह अमिताभ बच्चन ने किया जब लगभग 50 बरस से दुनिया भर के करोड़ों लोगों पर हुक्मरानी करने वाले का अपना दिल बेचैन हुआ, वो परेशान हुए, जिंदगी मुश्किल लगी तो उन्होंने कुरान मजीद की जानिब रुख कर लिया। उन्हें किसी समझदार मुसलमान ने यह मशवरा दिया कि कुरान पाक का अंग्रेजी तर्जुमा पढ़ा करो, इसे समझा करो। उन्होंने अमल शुरू किया तो उनकी जिंदगी और उनके दिल में करार आ गया। सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर पर अमिताभ बच्चन ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए कुछ ट्वीट करके इस बात का एतराफ किया और बताया कि वो कुरान पाक का अंग्रेजी तर्जुमा पढ़ते रहते हैं और वो इनके दिल में उतर रहा है। उन्होंने इस मौके पर कुरान पाक की कुछ आयात का तर्जुमा भी शेयर किया जिसका मफहूम था कि जो कुछ इंसान के मुकद्दर में लिखा है वो होकर रहता है और वो उसको मिलकर रहता है। उन्होंने कहा कि मुल्की सतह पर बका और सलामती और ज़ाती ज़िंदगी में अमनो अमान के लिए कुरान पाक पढ़ना एक अच्छा नुस्खा है। अमिताभ बच्चन ने अपने इस पैगाम के जरिए लाखों नहीं करोड़ों मुसलमानों के दिल जीत लिए। इससे पहले भी अमिताभ बच्चन जब शदीद बीमार हुए थे और कई दिन तक उन्होंने अस्पताल में गुजारे तो उन्होंने कुरान पाक की कुछ आयात का तर्जुमा पेश किया था जो इस बात का गम्माज था कि वो बीमारी की हालत में भी सुकून कल्ब के लिए कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ते रहते हैं। इसके अलावा भी अमिताभ बच्चन की इस्लाम में दिलचस्पी किसी से ढकी छुपी नहीं। कभी कभार वो औलिया कराम के मज़ारात पर देखे गए हैं और कहीं मुसलमानों के साथ इजहार यकजहती करते हुए भी देखे गए। हाल ही में अमिताभ बच्चन को उनके प्रोग्राम के दौरान एक शख्स ने जब कुरान पाक का नुस्खा पेश किया तो अमिताभ बच्चन ने न सिर्फ कुरान पाक के इस नुस्खे को खुशी से कबूल किया बल्कि ये वादा भी किया कि वो इसे बाकायदगी से पढ़ने की कोशिश भी करेंगे। दोस्तों, लगता यह है कि अमिताभ बच्चन ने अब वादे पर अमल करते हुए कुरान पाक पढ़ना शुरू कर दिया है। यही वजह है कि वो अक्सर और बेशतर ट्विटर पर कुरान पाक की आयात का तर्जुमा शेयर करते हैं। दोस्तों, जिस प्रोग्राम का हमने आपको हवाला दिया है वो प्रोग्राम जब टेलीविजन पर ऑन एयर गई तो भारत में मौजूद हिंदू इंतहा पसंदों को तो जैसे आग लग गई और उन्होंने अमिताभ बच्चन पर तनकीद शुरू कर दी कि अमिताभ बच्चन ने कुरान पाक हाथ में थामकर इस ख्वाहिश का इजहार क्यों किया कि वो कुरान पाक पढ़ना चाहते हैं और कुरान पाक को इंडोर्स क्यों किया। लेकिन हैरत की बात यह है कि भारत में कुछ मुसलमानों ने भी अमिताभ बच्चन के इस एक्शन पर एतराज किया। भारत के शहर इलाहाबाद में अदालत में एक दरख्वास्त दायर की गई जिसमें कहा गया कि अमिताभ ने इस प्रोग्राम में कुरान पाक के लिए रचाया गया का लफ्ज इस्तेमाल किया कि जिसका मफहूम आता है कि कुरान पाक अल्लाह की किताब नहीं है बल्कि इसे जमीन पर ही तरतीब दिया गया। मगर हाई कोर्ट ने यह दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और अपने फैसले में बताया कि अमिताभ बच्चन का कुरान मजीद के लिए यह लफ्ज इस्तेमाल करना ये जाहिर नहीं करता कि यह किसी शख्स ने लिखा है बल्कि इस लफ्ज का मतलब भी यही है कि कुरान मजीद कलाम इलाही है और अल्लाह ताला की ही जानिब से नाजिल किया गया। नाज़रीन, भारतीय अदालत की जानिब से भी कुरान पाक के हवाले से इस तरह का फैसला आने के बाद लाखों मुसलमानों के दिल ईमान से ताज़ा हो गए। दोस्तों, भारत के बेशतर अदाकार ऐसे हैं जो कि इस्लाम के बहुत करीब नजर आते हैं जिसकी कुछ झलकियां हमने वीडियो के आगाज में आपको बताई। उनमें से एक सुष्मिता सेन भी हैं जिन्होंने सबको हैरान कर दिया जब उन्होंने एक प्रोग्राम के दौरान एक महफिल में सबके सामने सूरह असर की तलावत करके सब मुसलमानों और दुनिया भर के इंसानों को हैरान कर दिया। न सिर्फ तिलावत की बल्कि सुष्मिता सेन ने इसका तर्जुमा भी लोगों के साथ शेयर किया जिससे मालूम होता है कि भारत की बड़ी बड़ी अदाकाराएं और बड़े बड़े फिल्म स्टार भी इस्लाम को समझते हैं और वो कहीं ना कहीं किसी न किसी लिहाज से इसके कायल हो चुके हैं मगर भारत में मुसलमानों पर एक दबाव के बायस वो खुल्लम खुल्ला इसका इजहार नहीं कर सकते। सुष्मिता सेन के जानिब से ऐसा किए जाने के बाद बहुत से हिंदू इंतहा पसंदों ने उन पर इल्जाम लगाया कि वो छुपकर इस्लाम कबूल कर चुके हैं। लेकिन सुष्मिता सेन ने कहा कि वो अक्सर आसमानी किताबों की तरह कुरान पाक का भी मुतालिया करते हैं और सूरह असर में चूंकि इंसान के बारे में बहुत बड़ी हकीकत बयान की गई है चुनाचा ये मुख्तसर सी सूरत उनके दिल में उतर गई है। दोस्तों, यही कुरान मजीद फुरकान हमीद का एजाज है कि कुरान पाक एक जिंदा मौजज़ा है। वो अपनी हक्कानियत, सद्दाकत और अपनी दुरुस्तगी और अपनी आलमगीरियत की वजह से गैर मुस्लिमों के दिलों में भी उतर जाता है। दोस्तों, पेरिस के एक डॉक्टर का बड़ा दिलचस्प वाक़या है जो हम आपके साथ शेयर करते हैं। पेरिस के एक डॉक्टर ने इस गर्ज़ से कुरान पाक का मुतालिया शुरू किया कि शायद वो इससे कोई गलती ढूंढ निकालेगा। लेकिन कुरान पाक में सिर्फ एक आयत के जरिए उस डॉक्टर की हालत बदल गई और उसने इस्लाम कबूल कर लिया। ये डॉक्टर पेरिस के एक कामयाब डॉक्टर होने के अलावा फ्रेंच हुकूमत के अहम ओहदेदार भी थे। इस्लाम कबूल करने के बाद वो हुकूमत से अलग हो गए और पेरिस छोड़कर फिर फ्रांस के एक छोटे से गांव में रिहायश इख्तियार की और अल्लाह की राह में ही निकल पड़े, इंसानियत की खिदमत करने लगे।
जब वो अलग थलग दुनिया से रहने लगे तो महमूद मिस्री नामी एक सहाफी उन तक पहुंच गया। इस सहाफी ने उनका इंटरव्यू करना चाहा और इंटरव्यू में सवाल किया कि आपने इस्लाम क्यों कबूल किया। डॉक्टर साहब ने कहा कि कुरान पाक की सिर्फ एक आयत ने मुझे ईसाई से मुसलमान कर दिया। सहाफी ने पूछा, क्या आपने कुरान पाक किसी मुसलमान आलिम से पढ़ा है? दरअसल सहाफी ने यह सवाल बदनीयती की मबनी पर किया कि शायद इन्हें किसी मुसलमान आलिम ने अपने तरीके से गलत तर्जुमा करके बहका न दिया हो। लेकिन डॉक्टर साहब ने इसका भी बहुत अच्छा जवाब दिया। डॉक्टर साहब ने जवाब दिया कि अभी तक मेरी किसी मुसलमान आलिम के साथ मुलाकात नहीं हुई। उन्होंने कहा कि मुझे अक्सर समंदरी सफर में रहने का इत्तफाक हुआ है। मेरी जिंदगी का बड़ा हिस्सा पानी और आसमान के दरमियान समंदर में ही गुजरा है। इसी तरह सफर में एक बार मुझे कुरान पाक का फ्रांसीसी तर्जुमा मिला। मैंने इस नियत से ये तर्जुमा खोला कि शायद मैं कुरान पाक से कोई गलती तलाश कर सकूं और कुरान पाक को गलत साबित कर सकूं। लेकिन डॉक्टर बताते हैं कि उनके सामने सूरह नूर की एक आयत सामने आई। उन्होंने कहा कि मैंने इस आयत को बहुत दिलचस्पी से पढ़ा, जिसमें समंदरी नज़ारे की कैफियत मुख्तसरन बयान की गई थी। जब मैंने ये आयत की तलावत की तो मैं अंदाजे बयां और इसमें दिए गए पैगाम से हैरान रह गया। मेरे जहन में यह आया कि शायद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर एक ऐसे शख्स होंगे जिनके रात और दिन मेरी तरह समंदर में ही गुजरे होंगे। तभी वो इस कैफियत को इंतहाई मुख्तसर अंदाज में इतने कामयाब तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। ये डॉक्टर गरीनिया कहते हैं कि इस बात के कुछ ही अरसे बाद मुझे मालूम हुआ कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी जिंदगी में समंदर का सफर ही नहीं किया। इस इंकशाफ के बाद मेरा दिल रोशन हो गया। मैंने ये जान लिया कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज नहीं थी, बल्कि ये उस रब का कलाम है जो रात की तारीकी में हर सुनने वाले और समझने वाले को देख रहा होता है। और इसके बाद डॉक्टर कहते हैं कि मेरे पास कोई चारा ना था कि मैं इस्लाम कबूल कर लूं। दोस्तों, हमने जितने भी वाकयात आपके साथ शेयर किए हैं ये हकीकत पर मबनी हैं, आप इनकी तलाश भी कर सकते हैं। लेकिन ये वाकयात आपको बताने का मकसद ये है कि आप भी कुरान पाक को समझ सकें। दोस्तों, अलामा इकबाल का इंतहाई मशहूर शेर है, वो मुअज्जज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, वो मुअज्जज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, हम ख़ार हुए तारिक़े कुरान होकर। दरअसल हम मुसलमानों ने कुरान पाक को समझना छोड़ दिया है। हम बाज़ औक़ात रमज़ान या दीगर किसी अहम मौके पर कुरान पाक की तलावत तो कर लेते हैं, लेकिन इसकी रूह को समझने की कोशिश नहीं करते। हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि कुरान पाक को अपने घर में रख लेते हैं, लेकिन महीनों और दिनों तक उसे खोल कर नहीं देखते। दोस्तों, अल्लाह ताला का ये इतना बड़ा तोहफा हमारे घर में है, मगर हमें शायद इसका एहसास नहीं है। आए मिलकर आज ये वादा करें और दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें भी कुरान पाक खोलने, उसे पढ़ने, समझने की तौफीक अता फरमाए और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो से इत्तफाक कर रहे हैं, इसके पैगाम को समझ रहे हैं, कमेंट में आमीन लिखिए और बताइए कि आप भी आज के बाद इंशाअल्लाह कुरान पाक को समझने की कोशिश करेंगे और इसका फ़लसफ़ा दीगर लोगों तक पहुंचाएंगे। दोस्तों, ये वाकयात महज सुनाने के लिए नहीं हैं, इन वाकयात से सबक सीखना चाहिए। ये वाकयात हमें बताते हैं, हमें बार बार एहसास दिलाते हैं शायद हम भटक गए हैं, सीधे रास्ते पर आ जाओ। दोस्तों, गैर मुस्लिम, ईसाई, हिंदू, सिख, तमाम तर मज़ाहिब के लोग कुरान पाक को समझकर कुरान पाक की जानिब आ रहे हैं, जबकि अफसोस की बात यह है कि हम मुसलमान नाशुक्री में इस हद तक आगे निकल चुके हैं कि हम कुरान पाक को समझना गवारा नहीं करते। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो इसे फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर के ज़रिए अपने तमाम दोस्तों तक पहुँचाइए। घर पर वालिदैन को सुनाइए ताकि वालिदैन अपने बच्चों पर उन्हें समझा सकें कि कुरान पाक की जानिब वो रागिब हो जाएं। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी स्क्रीन पर नज़र आने वाला रेड आइकन सब्सक्राइब का बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जो भी इस्लामी मालूमाती वीडियो आप तक पहुंचाएं वो आप तक बरवक्त पहुंच सके और आप देखकर अपनी ज़िंदगियों को बदल सकें। क्या आप इरादा करते हैं कि आप आज के बाद अपनी ज़िंदगी को इस्लाम के रास्ते पर ढाल लें या दीगर मज़ाहिब की नफ़रत से निकल कर एक अल्लाह की पैरवी करने की जानिब बढ़ेंगे? अगर हाँ तो कॉमेंट में अपनी राय का इजहार कीजिए। शुक्रिया दोस्तों।